शार्क टैंक इंडिया ने आज एंटरप्रेन्योरशिप को घर घर पहुंचाया है। और कहते हैं ना, जब इम्पैक्ट बड़ा होता है तो जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाती हैं। इसी जिम्मेदारी को समझते हुए शार्क टैंक इंडिया लेकर आया है एक स्पेशल एपिसोड, जहां टैंक में आज आ रहे हैं इकोप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स देश को बदलने के लिए जरूरी है, इकोप्रेन्योर्स भी उतने ही जरूरी है। वो भी वर्ल्ड को बदल रहे हैं, बट एक सस्टेनेबल वे में। कूल द ग्लोब एक कार्बन हैंड प्रिंट ऐप है। ये ऐप लोगों का अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करती है। ग्लोबल वार्मिंग का हम अपने वेदर पैटर्न्स में चेंज देख रहे हैं, तो हम रियलाइज कर रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट को क्या डैमेज हो रहा है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसलिए इसकी बात हो रही है। डिजिटल पानी एक IoT enabled सॉफ्टवेयर है, जो एक डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट प्लान्स की हेल्थ को ट्रैक और सही एक्सपर्टीज के साथ मैनेज करता है। कैनवा लूप एक बायो मटेरियल साइंस कंपनी है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट को कन्वर्ट करके टेक्सटाइल फाइबर्स एंड यार्न्स बनाती है यूजिंग आवर जीरो वेस्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन सॉल्यूशंस दैट एड्रेस बिग इश्यूज एंड दैट एड्रेस इश्यूज विद अ सॉल्यूशन दैट इज फीजिबल एंड मेजरेबल। 5-6 साल पहले जब मैं अपने घर पटाखे लेके गया, बच्ची मेरी छोटी सी थी, उसने बोला पापा मेरे को पटाखे नहीं उड़ाने हैं क्योंकि पोल्यूशन होता है। तो आप देख रहे हो चेंज कैसा आ रहा है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव अ बेटर प्लैनेट फॉर देम। हमारे पास सिर्फ 30 ईयर्स है क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट अवॉइड करने के लिए। ये हमें 30 ईयर्स में कर दिखाना है, तो हमें इसे एक एंटरप्रेन्योर के जैसे देखना पड़ेगा, नॉट जस्ट एज मी पर्सनली बट एज अ वर्ल्ड। हमने इंटरनेट बनाया हमारी जनरेशन में, और आज आप देखिए उसके लाभ बहुत हैं, लेकिन हानिकारक भी। हम सब एडिक्टेड हो गए, लेकिन ये जो अगला जनरेशन आ रहा है, नॉट ओनली विल दे हील द वर्ल्ड, दे विल सेव द वर्ल्ड थ्रू इकोप्रेन्योरशिप। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का इकोप्रेन्योर स्पेशल एपिसोड। मैं जब 9 साल की थी, मेरे स्कूल टीचर ने हमें एक अलग ही होमवर्क दिया था, एक खत लिखो, किसी और को नहीं खुद को, 10 साल बाद के प्राची को, बड़ी होके मैं कौन बनना चाहती हूँ। मैंने वो लिखा और फिर भूल गई। 10 साल बाद बचपन में लिखा हुआ वो खत मेरे टीचर ने मुझे फिर से भेजा। वो मैंने आपके लिए लाया है, ये है वो खत। ये पढ़ के मैं हैरान हो गई, क्योंकि उसमें छोटे प्राची ने लिखा था कि मुझे बड़ा होके दुनिया बदलनी, ऐसा काम करना है जिससे कुछ ना कुछ परिवर्तन। अपने इन शब्दों से मैं इंस्पायर हो गई और 18 साल की उम्र में 1 साल का गैप लेके भारत भर घूम, अलग अलग लोगों से मिली, किसानों से बातें की, स्वच्छता कर्मचारियों के साथ काम किया, छोटे छोटे बच्चों से उनके सपने सुने। इस अनुभव ने मुझे बदल दिया। इस दौरान मैंने खुद की आंखों से देखा कि आज जिसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, लोगों के डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मैं सोचने लगी कि इतनी बड़ी समस्या के बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, और इसी से कूल द ग्लोब की शुरुआत हुई। आपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सुना होगा। कूल द ग्लोब एक कार्बन हैंड प्रिंट ऐप है, मतलब ये ऐप लोगों को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद करती है। जैसे कि आपसे मिलने के लिए आज मैं कार के बजाय ट्रेन से आई, तो इस ऐप ने मुझे बताया कि ये करने से मैंने ऑलमोस्ट मेरे वेट के इक्वल, मतलब 35 किलो कार्बन एमिशंस कम किए हैं। अपने डे टू डे लाइफ में मैं इको फ्रेंडली कैसे बन सकती हूँ, इसके ऐसे ही 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके इस ऐप पे मुझे दिखते हैं, और ये करने से कितना कार्बन एमिशन कम हो रहा है ये भी ये ऐप कैलकुलेट करती है। UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 13 फॉर क्लाइमेट एक्शन से हमारा ऐप डायरेक्टली लिंक्ड। आज 110 देशों में से लोग इस ऐप पे आए हैं, और इन सभी नागरिकों ने मिलकर कूल द ग्लोब की हेल्प से 34 लाख किलो कार्बन एमिशंस एनवायरनमेंट में ऐड होने से बचाए हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। अब हम ये ऐप ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज के लिए भी ला रहे हैं। हमारा मिशन है कि भारत का हर घर और हर बिजनेस कार्बन न्यूट्रल हो। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्राची शिवगांवकर, और इस मिशन में मुझे आपका साथ चाहिए। आज हमारी आस्क है 25 लाख फॉर 5% इक्विटी। सो शार्क्स, आर यू फीलिंग हॉट टुडे? लेट्स कूल द ग्लोब टुगेदर। वाओ। हाय प्राची। हाय। वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड, जो पूरा का पूरा डेडिकेट किया है टू एनवायरनमेंट।
तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इंडिया और ग्लोबली सबको एजुकेट करें। यस, मैं एक यूट्यूब सीरीज करती हूँ ऑन हेल्थ कॉल अनकंडीशन योरसेल्फ विद नमिता। तो दिया मिर्जा, शी वाज ऑन माय शो और उन्होंने इतनी डिटेल से बताया एनवायरमेंट और हेल्थ का इम्पैक्ट। Yes. और स्पेशली ये कि बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्यूआई नो पोल्यूशन इन दिल्ली, उनके मॉम को सीओपीडी हो गया, विच इज अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, वेरी वेरी यू नो डेबिलिटेटिंग डिजीज। माय डैड हैड इट। एग्जैक्टली, सो यू नो हाउ टफ इट इज, एंड दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई पोल्यूशन। दैट वाज माय वेकअप कॉल। तो आपका वो ट्रिगर मोमेंट क्या था, इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैंने एक साल का गैप लिया तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे हाई इम्पैक्ट एरियाज में काम करना है। मैंने गूगल सर्च किया कि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो क्लाइमेट चेंज सामने आया, लेकिन मैं कन्विंस नहीं थी। मैंने सोचा कि यू नो हमारे सामने बहुत समस्या है, लोगों को हंगर है, इलिटरेसी है, ये सब छोड़ के व्हाई शुड आई वरी अबाउट पोलर आइस मेल्टिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए मैंने एजुकेशन में काम किया, फार्मर्स के साथ काम किया, तब क्लाइमेट चेंज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जब ऑन ग्राउंड काम कर रही थी कि मैं एक 12 साल के लड़के से मिली, पुणे के पास के एक स्लम में वो रह रहे थे। मैंने उन्हें पूछा कि आपको एक विश मिलेगी, आप कुछ भी मांग सकते हैं। उनका आंसर मैं कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने बोला कि आई वुड विश कि माई हाउस डजंट गेट फिल्ड विथ वॉटर अगेन। न्यूज़पेपर में देखते कि जब फ्लड्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा इंटेंसली हो रहे हैं, लेकिन तभी मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि जब मैं ये पढ़ती हूँ तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक 12 साल के बच्चे को समथिंग एज बेसिक एज अ शेल्टर अबव माई हेड, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मुझे जैसे लोगों से मिलते गई वैसे समझ आया कि इतने बड़े बड़े शब्दों के बारे में ये नहीं है, हमारे निजी जिंदगी के बारे में। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी आपका जो स्वभाव, सादगी और जिस सफाई से आप बोलती हो, ये लगता है पेरेंट्स हैव रेज्ड यू रियली वेल, बिकॉज़ योर एनर्जी सो इन्फेक्शियस, सो इन्फेक्शियस दैट आई एम जस्ट ब्लोन अवे। वो बहुत खुश होंगे ये सुन के। आज आपको पिच दे रही हूँ, वैसा ही पिच मैंने मेरे पेरेंट्स को भी दिया था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अनकन्वेंशनल करियर पाथ लेना है। और By the end of it, they were just as excited as I was to come on this journey with me. उन्होंने 30 years chemical engineering पढ़ाया और अब वो teacher. हाँ, is a teacher. अब वो full time मेरे साथ काम करते, तो अब मैं उनकी boss हूँ. Oh wow! Incredible. And mom? My mom is also an engineer. My sister is also an engineer. तो मैं only non-engineer हूँ और अब हम उन तीनों को मैं employ करूँगी. 15 साल से my wife has been working on climate change. She was earlier working for Terry. उनको तो नोबेल प्राइज भी मिला था उनकी टीम को ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद वर्किंग एज अ क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट एट द डच एम्बेसी। बिफोर दैट शी वाज इन ईयू इन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना बहुत यू नो हमारी बहुत डिस्कशंस होती है और बहुत चीज़ें, मतलब उसने भी हमारे घर पे हमारी लाइफ में चेंजेस लाई है। आपकी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस करें आपने फ्रॉम मतलब ईजियर सेट देन डन, राइट? इट्स नॉट ईजी। बिल्कुल, आपने क्या चेंजेस करे? मैं जब ये जर्नी करने लगी तो मैंने बाबा से जाके पूछा और हमने डिसाइड किया कि हम अपने घर से शुरुआत करेंगे। हमने चैलेंज लिया उस साल का कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट इस साल हम 10% से कम करेंगे। तो पहले तो मैं कॉलेज, मेरा 15 किलोमीटर था, तो मैंने कॉलेज पे सिर्फ 4 दिन साइकिल से जाना शुरू किया। उससे मैं फिट भी हुई और मेरे एमिशंस भी कम हुए। घर पे नहाने के लिए सोलर वाटर हीटर लगाया, उससे एमिशन कम हुए। घर का प्लास्टिक रिसाइकल करने की सिस्टम लगाई, उससे कुछ एमिशन कम हुए। आज भी मैं हर साल अपना एमिशन 10% से कम करती हूँ। अच्छा, ऐसे नहीं कि आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट माई यूजर्स ऑल्सो टू बी परफेक्ट। इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि हर कोई अपने हिसाब से अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें करे। करेक्ट। बट आपने जब इस जर्नी में गए तो आपने सोचा नहीं कि किसी कंपनी में या कहीं पे क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स के साथ काम करो, उनसे और सीखो? एक्चुअली मैंने ऐप बनाने का सोचा नहीं था। हम पहले देखने लगे कि कोई ऐसी ऐप है क्या जो मेरे जैसे लोगों को एक साथ लाए, तो उस टाइम पे कोई ऐप दिखी नहीं। तब सोचा कि अगर कोई ऐसी ऐप किसी ने बिल्ड नहीं की तो हम करेंगे। और जब मैंने डिसाइड किया कि क्लाइमेट चेंज में ही मुझे काम करना है, तो उससे उसके बाद 2 साल में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग कैपेसिटी में मैं काम कर चुकी हूँ। अच्छा, कहाँ? जैसे क्लाइमेट लीडरशिप कोएलिशन, ये यूरोप का सबसे बड़ा क्लाइमेट बिजनेस नेटवर्क है,
उसकी मैं भारत की पहली एडवाइजर हूँ और यंगेस्ट प्रोबेबली. टाटा पावर ये भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिनका अभी काम किया वहाँ पर. अब मैं उनकी क्लाइमेट चेंज एडवाइजर हूँ. COP27 में एज अ डेलीगेट फ्रॉम इंडिया आई वेंट विद द एनवायरमेंट मिनिस्टर. उन्होंने 3 यंग लोगों को सिलेक्ट किया था. अच्छा. उनमें से एक मैं थी. तो ऐसे आर यू एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कि आपको सच में बिजनेस मिल गया. आई स्टार्टेड आउट एज एन एक्टिविस्ट. तो अभी मैं बहुत साल से ये कर रही हूँ. तो मुझे ये दिखाई देने लगा कि हमारे पास सिर्फ 30 years है क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफेक्ट अवॉइड करने के लिए. ये हमें 30 years में कर दिखाना है तो हमें इसे एक एंटरप्रेन्योर के जैसे देखना पड़ेगा. नॉट जस्ट एज मी पर्सनली बट एज अ वर्ल्ड. अच्छी आप थोड़ा अपने ऐप और बिजनेस के बारे में अगर डेमो है तो दिखा दीजिए. हाँ, प्लीज प्लीज. तो ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है. लोग फ्री में ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं आपको ऐप का डेमो दिखाऊंगी लेकिन इन एक्सचेंज मुझे आपसे कुछ प्रॉमिसेस चाहिए. तो फर्स्ट प्रॉमिस अमन से. अगर आप मुझे आज मिलने के बाद आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आप पूरा हफ्ता चिकन नहीं खाओगे तो आपको बताएगी कि आपने ये करने से 4 kg CO2 emission नॉट मेकिंग दैट किया है. तो नेक्स्ट प्रॉमिस फ्रॉम नमिता कि आप इसका ड्रेस इतना अच्छा दिख रहा है तो इंस्टेड ऑफ बाइंग 5 new dresses अगर आपने यही 5 बार रीयूज किया तो आप आपको बताएगी कि ये करने से आपने ऑलमोस्ट 20 kg CO2 एमिशन. मैं आपको और इजी बताती हूँ. मैंने ये कोलैब पे लिया है व्हिच इज रेंटिंग. वाओ. एंड रेंटिंग एंड थ्रिफ्टिंग इज द बेस्ट. गुड. सो यू ऑलरेडी डूइंग दिस. तो मैंने आपका रिकॉर्ड सेव कर दिया है. फिर राधिका जी. हाँ. अगर आपने मुझे प्रॉमिस किया कि आज घर जाके आप रात को AC नहीं यूज करेंगे. आप कैलकुलेट करते हैं एक्टिविटीज बेस्ड ऑन एक्टिविटीज व्हाट इज द हार्म और द बेनिफिट. बिल्कुल. सेविंग्स इन कार्बन एमिशन. बिल्कुल. और ये ऐप यूजर्स यूज करने लगे तो बहुत लोगों ने बोला कि मैं अपने लाइफ पे कर रही हूँ लेकिन ये मेरे बैचमेट्स के साथ मेरे कॉलीग्स के साथ मिलके कैसे कर सकते. वेरी इंटरेस्टिंग. इसीलिए देन वी आर लॉन्चिंग नाउ दिस ऐप फॉर कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पे हर यूजर को मंथली टारगेट दिखता है. वी कैन सी की नमिता का टारगेट 200 kg उसमें से उन्होंने 145 कर दिखा है. तो आपने किया तो नाउ यू वांट टू से कि शार्क टैंक इंडिया में और किसी ने क्या क्या किया है. तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डैशबोर्ड जिसे हमें दिखता है कि सभी टीम मेट्स ने मिलकर कितने एमिशन सेव किए. हमें दिखता है कि कौन सी टीम जीत रही है. तो अभी जजेस की टीम शार्क्स की टीम जीत रही है. उसमें इस टीम में कौन जीत रहा है. तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से डिप्लॉय कर सकती हैं. जैसे टीम का फिटनेस चैलेंज होता है बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में. तो इन अ टीम आप हमारी टीम में 300 लोग कार्बन फुटप्रिंट का चैलेंज कर सकते हैं. वेरी नाइस मोटिवेशनल थिंग एक कॉर्पोरेट सेटअप में बहुत अच्छा हो सकता है. 200 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्लाइमेट एक्शन ट्रेनिंग की. सभी ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में आके बोला कि ये ऐप मेरे एम्प्लॉयज के लिए मुझे यूज करनी है. आई विल बाय इट बट यू मेक इट एंड दैट्स व्हाई वी आर नाउ मेकिंग इट. एक्चुअली में किसी ने बाई किया. ऑर्गेनाइजेशनल वर्जन इज इन डेवलपमेंट जो हम मई में लॉन्च करेंगे. उनका अभी प्री लॉन्च आपके पास कोई ऑफिशियल कमिटमेंट है या वर्बल कमिटमेंट है. सो वी हैव 7 MOUs विद 7 large organizations. वेरी गुड. जिसमें से 4 इंडिया से है 3 इंटरनेशनल है. तो अभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्जन रेडी नहीं है लेकिन इंडिविजुअल का जो आम आदमी के यूज करने का वर्जन है वो मार्केट में है. कितने टाइम से है मार्केट में. वो मार्केट में 2021 से है. कितने डेली यूजर्स हैं. सो मंथली एक्टिव यूजर्स है अराउंड 6000 और डेली यूजर्स अभी कम है क्योंकि अभी इट्स जो नंबर कितना है. हां अराउंड 500. बट लोगों को पता भी तो नहीं है आपके बारे में ज्यादा. और ऐप जो पहली लॉन्च की थी उसमें अभी वी रियलाइज कि जब हम नज करते हैं नोटिफिकेशन करते हैं तो यूजर्स बहुत बढ़ जाता है. करेक्ट. तो पीपल नीड डेली एंगेजमेंट एंड डेली नजिंग. अभी आप डेली कितने डाउनलोड्स ला रहे हो. मंथली अराउंड 1000 आते हैं बट इज ऑल ऑर्गेनिकली. हमने अभी तक कुछ भी स्पेंड नहीं किया. और उसमें बिजनेस मॉडल है कोई अभी वाले ऐप में. वो वाले ऐप में नहीं. इट्स कंप्लीटली फ्री. तो प्राची आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है. हाँ तो रेवेन्यू मॉडल की ऑर्गेनाइजेशंस सब्सक्रिप्शन एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस के उनके एम्प्लॉयज के लिए ये ऐप ले सकते हैं. तो अराउंड 300-500 rupees एनुअली पर एम्प्लॉई इन ब्रैकेट्स ऑफ 1000 एम्प्लॉयज 3000. तो अभी तक आपका कोई रेवेन्यू मॉडल स्टार्ट नहीं. प्री रेवेन्यू है अभी. इसमें अलग अलग ऑफसेटिंग प्रोजेक्ट्स भी लोग चूज कर सकते हैं और वो जिन्होंने रिड्यूस नहीं किया वो ऑफसेट कर सकते. दिस इज अ सेकंड बिजनेस मॉडल. तो ऑफसेटिंग ये है कि कुछ मैं अपने बिहेवियर चेंज से कम करूँ
लेकिन जो मैं कम नहीं कर सकती वो मैं ऑफसेट करती हूँ कि कोई और मेरे बिहाफ पे वो कम कर रहा है। कैसे? जैसे ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑफसेट परचेस करती हूँ, बोलती हूँ कि इतने टन कार्बन ऑफसेट मैंने लिए है, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी कर रही है। तो इंडिविजुअल एम्प्लॉय क्यों खरीदेगा लेकिन इसको? कि मैं सभी अभी इस महीने का मेरा नहीं हुआ तो मैंने वो ऑफसेट कर लिया। और हम ऑर्गेनाइजेशंस को भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आपके एम्प्लॉयज के लिए आप ये ऑफसेट ऑलरेडी खरीद लो। इफ अ कंपनी टेक्स दिस फ्रॉम यू, बिल्कुल, तो अगर वो ESG रिपोर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स वन ऑफ द आइटम्स। इट डस यस। बट जहां क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, आई थिंक इसको हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक जैसे एक कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लिया, अब उसके जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयज होंगे वो उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया, तो जो इसमें डेटा आएगा कि जितना कार्बन सेव किया वो हो सकता है मैनीफोल्ड देन रियलिटी हो। जैसे कि लोग वो करते थे स्टेप ट्रैकर अपने कुत्ते पे लगा देते थे टू विन दिस चैलेंज। तो ये ऐप में आप कैसे ट्रैक कर पाती है कि लोग सच में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक तो हमारा चॉइस था, वी हैड इवन पुट इट कि आप फोटो डालो और फिर यू रिकॉर्ड इट, बट फिर वो यूजर को एक हिंड्रेंस हो जाता है कि मेरे को फोटो कंबरसम हो जाता है, हाँ, नंबर कम हो जाएगा नहीं कोई। तो सेकंड थिंग, टू फेल सेफ्स वी पुट, वन इज कि बहुत ज्यादा रिकरिंग एक्शन पहले था वो हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि वो बहुत अमाउंट क्वांटिटी में एक बार होता है, तो बहुत क्वांटिटी में झूठ बोलना इज नॉट अलाउड। और सेकंड फेल सेफ इज एनोमली डिटेक्शन, थोड़ा है कि इफ दिस इज नॉट कंसिस्टेंट विद, मैं भारत में रहती हूँ तो this is not consistent with where I'm from, this behavior, this is not consistent with my past behavior, so we will get a notification saying ki this doesn't seem true, so then we will remove that. I have an offer for you. Yes, chalo aap pehle bolenge, aap pehle bolenge. Okay, mera offer sirf aapke karan hai. I think business bahut young hai, bahut zyada young hai, abhi institutional app bana bhi nahi hai. एंड मैं ऑफर देने से पहले, मुझे लगता है मैं इसमें काफ़ी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। हमारी फर्म UNPRI की सिग्नेटरी है, कॉर्पोरेट्स में इसका अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है, तो मैं वो नेटवर्क खोल सकती हूँ। तो मैं ऑफर देती हूँ, मैं आपको 1,000,000 इक्विटी में दूंगी फॉर 10% ऑफ द कंपनी, सो दैट्स अ 1 crore वैल्यूएशन। बाकी 1,500,000 मैं आपको डेट पे दूंगी, बट दैट डेट इज एट 8% इंटरेस्ट, विच इज बैंक इक्विवेलेंट इंटरेस्ट, क्योंकि आपका कॉज है सर। That is for 2 years. Okay. It's a good thing you are doing, right? And I think my wife will be very happy if I support this even more. Right? So I'll give you the offer of what you asked for, 25 lakhs, 5%. अरे वाह। Okay. मेरा इसमें एक problem है। When I saw the features, when I saw your thinking, this is very easy to copy. So I think अभी आप मेरे लिए थोड़ा early हैं। And you've got 2 fantastic offers. love your enthusiasm, but for today I'm out. Okay. जिस तरीके से मैं प्रॉब्लम को देख रहा हूँ, जब आपने बात कही कि मैं बस से ट्रैवल, लोग बस से ट्रैवल करना शुरू करें, या फिर लोग मीट खाना बंद करें, AC बंद करना शुरू करें, ये सब ना बहुत फंडामेंटल बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमंस हैं, हम उनको चेंज करने की बात कर रहे हैं। मेरे अंडरस्टैंडिंग से ये फंडामेंटल बिहेवियर्स को लोग स्टॉप नहीं कर पाएंगे। प्रॉबेबली इसके जो बेटर सॉल्यूशंस होंगे, AC बंद करने की जगह अगर कोई ऐसा AC आता है जो कंजम्पशन कम लेगा तो शायद मैं स्विच कर जाऊं। तो मुझे लगता है कार्बन इमिशन में सबसे अधिक जो चेंज आएगा वो इन कारण से आएगा, जब वो प्रोडक्ट्स ही चेंज होंगे। और B2B में मुझे लगता है ये शायद जो पर्पज़ के लिए यूज होगा उसको फ्रॉड किया जा सकता है, तो ओवरऑल इन रीजन से मैं आउट रहना चाहूँगा। ओके, ठीक है। लव योर एनर्जी, अमेजिंग पर्पस, आपने अपनी जिंदगी इस पे दावे पे लगा दी, तो उसको तो सल्यूट करना पड़ेगा। बट नॉट ओनली आर यू प्री रेवेन्यू, आप प्री मार्केट, प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट भी है, राइट? एंड यू हैव नो मोट, आपकी जो बैरियर्स टू एंट्री होगी ये बिजनेस में आज तो दिखी नहीं रही। यू ऑलरेडी हैव एन अमेजिंग ऑफर। यस, अभी ये दो कंबाइन करके क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ यही एडवाइस आपको दूंगा कि आप इनका ऑफर लीजिए, ये शायद आपको बिजनेस की तरफ एडवाइस अच्छी दे सकेंगे। और नहीं देंगे तो यू कैन ऑलवेज कम टू द मास्टर, आई एम अवेलेबल, आई वुड लव टू बी कनेक्टेड। गुड लक, आई एम आउट बट माय हार्ट इज इन। थैंक यू। हार्ट इज इन, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मोट नहीं है, प्री रेवेन्यू, प्री प्रोडक्ट मार्केट फिट है, लेकिन इसमें काम बहुत है। तो इतना काम एक्चुअली इसको आइडिया से पूरा बिजनेस बनाने में, एंड अमन आई थॉट अबाउट इट, मुझे एक्चुअली 10% ओनरशिप चाहिए, क्योंकि काम बहुत है, वो टाइम बहुत जाएगा और मैं वो टाइम देने के लिए तैयार हूँ।
राधिका बोलना चाहती है कि she doesn't want that valuation to be what I had given. She doesn't believe in that and she's saying अगर हम दोनों आएंगे तो she was like at 25 lakhs at 10% is what she is looking at. Yeah, yeah. राधिका और मैं साथ आते हैं 25 lakhs 10%. Thank you for your offer. मुझे preferably आप दोनों की expertise चाहिए. मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपकी previous offer is it still on the table? अभी आपके पास एक offer है. राधिका जी और मेरा for now. 25 lakhs 10% are you in or out? मुझे आपसे सिर्फ request है कि अभी pre-revenue के वजह से हमारा valuation कम है लेकिन अभी जल्दी वो बहुत बढ़ने वाला है. क्या बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा? Revenue कितना हो जाएगा? 1 crore worth MOUs हमारे पास already है. Valuation half हो रही है तो आप counter कीजिए ना. Counter कीजिए. Counter कीजिए. I'm okay with 6% for 25 lakhs. No, doesn't work. Ownership मेरी 3% हो जाएगी. बहुत कम हो जाएगा. For the work जो मुझे डालना है इसमें बहुत कम हो जाएगा. राधिका जी देखो आपको 10 चाहिए. हाँ. 6 देना है. हाँ. 8 में कर लो तो अच्छी ऑन टू. चलो 8 में करते हैं. बोलो अब मैं लाया हूँ राधिका जी इज इम्पोर्टेंट. इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू. बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू वी विल गेट बेनिफिट इफ बोथ ऑफ अस. ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर आवर ऑफर. डील 25 लाख फॉर 8% डील पक्की. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस. यू आर गुप्ता एंड गुप्ता नाउ. Oh yes. Congratulations. Congratulations. हमारी डे टू डे लाइफ में हम अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं जैसे ट्रैवल करते हैं अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं अप्लायंसेस का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी यूज करते हैं. इन सभी एक्टिविटीज से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होते हैं. तो मेरी वजह से कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है इसे बोलते हैं मेरा कार्बन फुटप्रिंट. मतलब मदर अर्थ पे मेरा कितना बोझ पड़ रहा है ये है मेरा कार्बन फुटप्रिंट. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है श्रेयांस. मेरा नाम नंदनी है और हम दोनों सूरत से हैं. शार्क्स, पूरी दुनिया को कॉटन शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है. ये कंफर्टेबल भी होते हैं और दिखते भी अच्छे हैं. लेकिन क्या आपको पता है 1 pair ऑफ कॉटन क्लोथिंग बनाने में 9,000 liters फ्रेश वाटर लगता है. और जितने भी हम सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने हुए वो क्रूड ऑयल से बनते हैं और प्लास्टिक की तरह ही नॉन बायोडिग्रेडेबल. यही नहीं हर बार जब हम ये वॉश करते हैं तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में रिलीज करते हैं और ये ओशन माइक्रोप्लास्टिक का सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है. और एक प्रॉब्लम भी है जिसके बारे में आप सबको पता है वो है एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग. एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग और टेक्सटाइल पॉल्यूशन का एक सोल्यूशन है कैनवा लूप. कैनवा लूप एक बायो मटेरियल साइंस कंपनी है जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे हेम्प बनाना ऑयल सीड्स के स्टेम्स एंड पाइनएप्पल लीव्स को कन्वर्ट करके टेक्सटाइल फाइबर्स एंड यार्न्स बनाती है यूजिंग आवर जीरो वेस्ट प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी. हम हमारे फाइबर्स कॉटन और कन्वेंशनल पॉलिएस्टर के मुकाबले 99% लेस वाटर यूज करते हैं 87% लेस कार्बन एमिशंस करते हैं और 82% लेस एनर्जी यूटिलाइज करते हैं. हम इस इको फाइबर प्रोडक्शन के इंडिया में पायनियर्स हैं और आज हम हर महीने 200 टन एग्रीकल्चर वेस्ट को 40 टन्स टेक्सटाइल ग्रेड फाइबर्स में कन्वर्ट करते हैं. हमारे फाइबर्स से बने फैब्रिक्स सिर्फ एथिकल और सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि फंक्शनली सुपीरियर भी है. ये फैब्रिक्स नेचुरली एंटी यूवी एंटी माइक्रोबियल ब्रीदेबल एंड अडेप्टेबल टू वेदर है. ये फाइबर्स एंड यार्न्स का यूज करके ग्लोबल फैशन ब्रांड्स ने ऑलरेडी काफी कलेक्शंस लॉन्च किए हैं इंक्लूडिंग डेनिम्स शर्ट्स कार्पेट्स एंड साड़ीज. हमने टेक्सटाइल पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग छेड़ दी है और हमारा विजन है कि 10 करोड़ टन जो एनुअल टेक्सटाइल फाइबर कंजम्पशन है उसका 0.1% भी हम एग्री वेस्ट बेस्ड फाइबर पे कन्वर्ट कर पाए तो हम एक बड़ा बदलाव ला पाएंगे. इसके लिए हमारी आस्क है 1 crore फॉर 1.33% इक्विटी. तो शार्क्स लेट्स चेंज द फाइबर ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टुगेदर.
वेलकम श्रेयस नंदिनी टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3. थैंक यू. आप कैसे मिले और क्यों आपने ये मकसद पकड़ा? बिकॉज इट इज अ बिग हैवी पर्पस. सो माई प्राइमरी एजुकेशन पूरा फाइनेंस में है. आई वॉज वर्किंग इन बार्कलेज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फिर मैं मास्टर्स करने US गया था. वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके रियलाइज हुआ कि ये एक प्रॉब्लम है. माई फैमिली इज इन टेक्सटाइल्स बट ये कभी रियलाइजेशन नहीं था. उधर जाके ये रियलाइजेशन आया और कॉलेज में ही हमने इसको एज अ प्रोजेक्ट परस्यू किया और ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. वी हैड मेट फॉर getting married. It was an arranged marriage setup. Yeah. Wow. Aap bhi Surat ki hain? No, I'm from Patna, Bihar. Achha. Then I was pursuing MBA when I met him. To jab main inse mili, to mera padhai aur inka goal align hua. So I joined Canva Loop as director of marketing and PR when we met for getting married. And since then we've been working together. To abhi roles kya hai aapke? I handle the sales, the fundraise and the product development. She handles the digital marketing PR. And then we have another co-founder who's not here. He handles the manufacturing. Why is he not here? वहाँ हमारा भी एक order चल रहा है. उधर एक रहना जरूरी था किसी को. Otherwise थोड़ा compromise हो जाता. तो आपने pitch में बताया कि hemp, banana, pineapple leaves. थोड़ा उसके बारे में बताइए कि as an industry practice, कौन सा raw material या natural product matches what? Finished product. और क्या बेचते हैं actually? So basically हम fibers and yarns बेचते हैं. हम final fabrics और garments नहीं बनाते हैं. Okay, got it. Now coming to the application point of it, hemp loop, flax loop, जो भी basically stem portion से निकले हैं plant के, they are suitable for all purposes. आप उनसे sarees बनाइए, आप उनसे जो मैंने blazer पहना है, shirt पहना है, bottom पहना है, ये सब hemp loop, flax loop इन सब से बना है. So except for intimate wear. उसका रीजन सिर्फ यही है कि इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट फीलिंग ऑन द बॉडी. तो इंटीमेट वेयर में लोग पसंद नहीं करते हैं कि उनकी फील चेंज हो जाए. इट्स अ कोर्सर फीलिंग, थोड़ा ज्यादा रफ फीलिंग है क्या बॉडी पे? जैसे आप लिनन का फीलिंग आता है ना, लिनन वाली फीलिंग. सॉफ्टर देन लिनन, समवेयर बिटवीन कॉटन एंड लिनन. अच्छा. पाइनएप्पल इज द ओनली प्लेस वेयर वी डू लीव्स, एवरीथिंग एल्स इज द स्टेम. द रीजन फॉर अस डूइंग पाइन लूप इज इट्स अ प्रॉपर सिल्क रिप्लेसमेंट. वेरी इंटरेस्टिंग. बनाना, बनाना स्टेम आप दिखा सकते हैं थोड़ा? आई थिंक दीज आर द फाइबर्स, देन दीज आर द यार्न्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स और वहां पे फैब्रिक स्वॉचेस हैं. वेरी नाइस. दिस इज द सिल्क. दिस इज द सिल्क. राधिका, इट्स अ लिटिल बिट कोसो, इसमें शाइन कैसे आती है? जैसे इस कपड़े में अगर आप देखें, there's a very nice shine. कैसे आती है? मैं आपको यहाँ फाइबर दिखाता हूँ. आपको फाइबर में शाइन दिखेगी तो आपको वहाँ भी शाइन दिखेगी. हाँ, इसमें यार्न में ही शाइन है, फाइबर में ही शाइन है. ये लीवाइस की जीन्स है. हाँ. Yes, sir. इसमें ये तो नॉर्मल जींस है या ये भी? इसमें सर 20% हमारा फाइबर है. आपने दिया है? हाँ, हाँ. From सूरत. Yes. From our, हमारे from सूरत. Yes. To Levi's. Yes. Not bad, yeah. Levi's India. This is Levi's US. पूरे वर्ल्ड में Levi's like one of the best jeans company. ऐसा क्यों आपसे लिया? आज के डेट में हमारे जैसे और दो ही कंपनी है दुनिया में, वर्ल्ड में. वर्ल्ड में. इंडिया में? इंडिया में एक है. एक हम है और एक जेनक्रेस्ट करके कंपनी है और बाकी एक एक, एक और बची. एक है US बेस्ड कंपनी सर्कुलर सिस्टम्स. हैट्स ऑफ टू यू. हैट्स ऑफ. गुड जॉब. थैंक यू सो मच. इस पे जैसे आपने कहा, सब शुरू किया था आपने कि 99% लेस वाटर, 87% लेस कार्बन है. डेफिनेटली अगर हम लोग एनवायरमेंट के हिसाब से लेंगे तो ये काफी इम्पैक्टिंग चीज होगी. बट ये किसी ना किसी प्राइस पे आएगा और वो प्राइस कस्टमर को देना पड़ेगा. करेक्ट. तो वो जो जीन्स है लवाइस की, नॉर्मल में जीन्स लूंगा तो उसका क्या प्राइस पड़ेगा और आपके यार्न्स से बने हुए प्रोडक्ट्स होंगे उनका प्राइस, तो प्राइस टू प्राइस क्या डिफरेंस होगा वो बताएंगे जो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. सो एक कॉटन डेनिम का लिवाइस का परचेजिंग कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज पर डेनिम होगा, एक एवरेज कॉटन डेनिम का. हमारे फाइबर्स से ब्लेंडेड डेनिम्स वो अगर खरीदते हैं तो अराउंड 390 के आसपास उनको प्राइस बैठेगा. और ये प्राइस कस्टमर को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है. हाँ, अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड अगर इसको लॉन्च करता है तो डबल प्राइस करता है बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न अ प्रीमियम ब्रांड, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी मार्केटिंग कैंपेन चलाता है. तो वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे अभी लॉन्च करता है. और आपका प्योर फाइबर का क्या कॉस्ट होगा? प्योर फाइबर हमारा मैम 20% हमारा प्योर फाइबर 350 रुपीज किलो पर किलोग्राम से अभी स्टार्ट होता है.
उसके सामने कॉटन का रेफरेंस है अराउंड 180 टू 200 रुपीस अ पीस, 2x द कॉस्ट ऑफ कॉटन। अच्छा साड़ी का बताइए, जो आपके नॉन स्टेम लीव्स वाले हैं जिसमें जैसे आप प्योर साड़ी बना सकते हैं, मुझे कॉस्ट का डिफरेंस बताइए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट वर्सेस आपका। दूसरा, क्योंकि आपने वेस्ट की इतनी क्लेम्स दी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे थोड़ा आपका प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जानना है। सो हमारा पाइन लूप है 2500 रुपीस पर किलोग्राम, उसके सामने आप रॉ सिल्क या कोई भी प्योर सिल्क लेंगे तो इट विल स्टार्ट एट 5500 रुपीस अ किलोग्राम। सो इन दैट सेगमेंट वी आर एक्चुअली चीपर। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं हमारे प्रोसेस पे। प्रोसेस एक्चुअली फील्ड से स्टार्ट होता है। हम फार्मर्स को एक सेपरेशन मशीन या क्रशिंग मशीन देते हैं जिसके थ्रू वो एग्री वेस्ट पास करते हैं। इस तरीके से एग्री वेस्ट हमारी फैक्ट्री में आता है। फिर उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस में हम टेक्निकली क्या करते हैं, वेस्ट को आप अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो उसमें सेल्युलोज, लिग्निन, पेक्टिन और बहुत सारी इम्प्योरिटीज है जो वो वैक्स से बाउंड है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस वो वैक्स को डिसॉल्व कर देता है और वो वैक्स डिसॉल्व होने की वजह से वो इम्प्योरिटीज उसमें निकल जाती है, सिर्फ सेल्युलोज और लिग्निन फाइबर स्ट्रैंड में रह जाता है। एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट में क्या होता है कि एक टैंक में ये बायोकेमिकल ट्रीटेड फाइबर डाला जाता है और एंजाइम्स, हमारे पास इनहाउस फॉर्मुलेटेड एक्टिव एंजाइम्स हैं जो उसके सरफेस को खा जाते हैं और वो जो सिर्फ अंदर प्योर सेल्यूलोज और लिग्निन बचा है वो बचा रह जाए। इसके बाद जाता है हमारा एक लॉन्ग मैकेनिकल ट्रीटमेंट है। उस मैकेनिकल ट्रीटमेंट का एक ही पर्पस है कि अब लोग कॉटन यूज कर रहे हैं और पूरी सप्लाई चेन कॉटन के हिसाब से बन गई है, तो हमारे प्रोडक्ट की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कॉटन की तरह हो जाए ताकि वो पूरे सप्लाई चेन में कॉटन जो यूज करता है वो यूज कर पाए। एनर्जी क्या है इस प्रोसेस में? एनर्जी यूजेज इज दो है, एक हीटिंग। हीटिंग में भी हम अपने ही वेस्ट का ब्रिकेट बना के एज बायोफ्यूल यूज करते हैं। गुड, राइट। सेकेंडली है वाटर। वाटर भी हम 80% लाइक पर किलोग्राम हम 10 लीटर्स वाटर यूज करते हैं, उसमें से भी हम 80% रिसाइकल बैक करके अपने प्रोसेस में वापस यूज करते हैं। जो 20% बच गया वो एक्चुअली इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, नहीं तो हम उसे भी जमीन पे बारिश के तौर। हाँ, उसके अलावा एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसको अभी तक हम ग्रिड से ही लेते हैं, इवेंचुअली एट स्केल वी कैन टेक दैट फ्रॉम सोलर एज वेल। वेरी गुड, थैंक यू। मेरे को जल्दी से तीन नंबर बता दे, आई एम इंटरेस्टेड। सेल का क्या हाल है, कैप टेबल कैसा है और फंडिंग स्टेटस क्या है? लास्ट मंथ हमने 1.2 करोड़ का फाइबर सेल किया है, उसके पिछले मंथ 1 करोड़ था एंड लाइक वी हैव बीन इंक्रीजिंग सिंस देन। फाइनेंशियल्स में ईयरली भी बता दीजिए, लास्ट ईयर का कितना था? लास्ट ईयर वी क्लोज्ड एट 3.2 करोड़, दिस ईयर 7 करोड़ हमारा फेब तक हो गया, मार्च के मंथ में हम अराउंड 1.2 करोड़ पे क्लोज करेंगे, तो अराउंड 8 करोड़ पे हम ये साल क्लोज करेंगे। हम लास्ट तीनों साल से हम एबिटा पॉजिटिव हैं। मार्जिन करंट हमारा 27% एबिटा है, लास्ट ईयर अराउंड 12% था क्योंकि हमारा प्रोडक्शन स्केल कम था। नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है? नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास 18 करोड़ रुपीस का ऑलरेडी परचेज ऑर्डर है। क्या? 1.5 करोड़ पर मंथ फ्रॉम अप्रैल टू नेक्स्ट मार्च हमारे पास परचेज ऑर्डर है फ्रॉम टू ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज। वन इज सिंटेक्स इंडस्ट्रीज विच इज ओन्ड बाय रिलायंस एंड द सेकंड इज अवंती पीटी विच इज अ सोर्सिंग हाउस बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर। वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी गुड ब्रो। और कितना बड़ा बिजनेस बन सकता? हम 10 करोड़ टन कंजम्पशन है फाइबर का टेक्सटाइल पर्पस के लिए एनुअल, उसका 0.1% होता है 1 लाख टन, वो हमारा टारगेट है कि हम नेक्स्ट 5 इयर्स में वहां तक पहुंचे। वैल्यू टर्म्स में कितना होता है? वैल्यू टर्म्स में वो 2000 करोड़ होता है। आपका बिजनेस 2000 करोड़ बनेगा? हाँ। वेरी गुड। अच्छा सेकंड क्वेश्चन था मेरा कैप टेबल फंडिंग। हाँ, सो हमने 2 rounds ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रेज की है। फर्स्ट राउंड हमने अगस्त 2021 में रेज किया था, 1.5 करोड़ का प्री सीड राउंड फ्रॉम थिया वेंचर्स एंड टाटा सोशल अल्फा, प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ 10 करोड़। हमने अगस्त में एक ब्रिज राउंड रेज किया है फ्रॉम आर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स एंड अ कपल ऑफ एंजल्स, अगस्त 23, जिसका पर्पस टू गेट ऑल द सर्टिफिकेशंस। ये सब जो मैम नंबर्स और क्लेम्स हम कर रहे हैं ये सब हमने थर्ड पार्टी से जब वेरीफाई किया तब जाके ब्रांड ने हमसे बल्क में वो लेना स्टार्ट किया। वो हमने 1.1 करोड़ ही रेज किया था क्योंकि हमें उतना ही अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था टू सर्व दैट स्पेसिफिक पर्पस, उसको हमने विद अ फ्लोर ऑफ 25 करोड़ रेज एंड कैप कैप ऑफ 30 करोड़। आपका जो पर्पस है वो है एग्री वेस्ट, करेक्ट, एंड उसको इफेक्टिवली यूज करना है। आपने कितने फार्मर्स और फार्म लैंड के साथ टाई अप किया है? आप कितने और फार्मर्स को इंपैक्ट करेंगे? व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया डू दे कम फ्रॉम? एट द मोमेंट 60% एग्री वेस्ट इंपोर्ट करते हैं।
और 40% के लिए हमने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फार्मर क्लस्टर्स हैं FPOs जिनको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, उनको टैप इन करते हैं। वो अभी हमारे 9 क्लस्टर जैसे इंडिया में एक्टिव है, साउथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। दीज आर द 4 स्टेट्स जहाँ पे ये एक्टिव है अभी। राइट नाउ इट्स 60% इंपोर्ट, 40% इंडिया। 3 साल में व्हाट आर यू थिंकिंग? 3 साल में हम 100% इंडियन कर देंगे। यही हम फार्मर क्लस्टर्स बढ़ा बढ़ा के, दैट्स द ओनली वे वी कैन डू इट। वेल डन। बिकॉज यू यूज एग्री वेस्ट, क्या सप्लाई में कंस्ट्रेंट है? 10-15 करोड़ टन वेस्ट हर साल जलाया जाता है सिर्फ इंडिया में, और ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है। सो एक्चुअल फिगर तो मच लार्जर होगा। और यही कैटेगरीज, पाइनएप्पल, बनाना, हेम्प? हाँ, स्टेम कैटेगरीज। आपका पिछले साल जैसे आपने बताया 12% का मार्जिन था, इस बार 27 का गया, तो ये इंक्रीज क्यों हुआ? मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है जिसका 15 लाख पर मंथ एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, राइट। तो अब मैं 1 करोड़ का मटेरियल अब अगर इस महीने में प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली एबिटा बढ़ जाता है, मेरा ग्रॉस मार्जिन विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो अगले साल जब आप 18 करोड़ का माल, आप कह रहे हैं आपके पास ऑर्डर है, तो आपको क्या लगता है ये 31-32% के बीच में इवन फर्दर हमारा बढ़ेगा नंबर? हाँ। मतलब ठीक है, तो मेरा भी आपके लिए एक ऑफर होगा, बट आई थिंक ये लोग पहले क्यों, मैं अमन और नमिता आपको ऑफर देंगे, नमिता ऑफर देगी हमारे बिहाफ। हमारा ऑफर इस पे कंडीशनल है कि आपने जो विजन बताया, हाँ, कि मूविंग फ्रॉम 60% इंपोर्ट्स टू 100% विद इन इंडिया, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट, राइट। सो आवर ऑफर इज वी वुड लाइक टू गिव यू 1 crore बट फॉर 3%, ताकि हमारे पास कुछ तो सब्सटेंशियल हो, 1% एंड आई थिंक हम तीनों मिलके बहुत कलेक्टिव वैल्यू एड कर सकते हैं, बहुत सारा। तो मैं भी ऑफर देना चाहूंगा 1 crore का, बट फॉर ओनली 2%। आपका बिजनेस है नॉट जस्ट सेलिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 40 टन्स हैं। और आप बना रहे कितना? अभी हम 40 टन्स पे हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर टन? सो एक प्रोडक्शन लाइन इज ऑफ 20 टन्स, वन प्रोडक्शन लाइन इज 65-75 टन्स। तो अगर आपको, आपने कहा यू वॉन्ट टू डू 1% ऑफ 10 crore, 0.1%, तो कितना लाख टन हो गया? 1 lakh ton। 1 lakh ton, तो कितना लगेगा आपने? एकदम प्रिसाइज फिगर नहीं है मेरे यार, पास। आपको इतनी बड़ी कंपनी बनानी है, 1 lakh ton का कैपेसिटी का प्लांट डालना है, आपको ये नहीं पता है आपको कितने पैसे डालने? मैं स्टेप वाइज आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अभी हम एक राउंड रेस कर रहे हैं, 10 crore equity, 5 crore debt। Where is that round? Which stage? हमारे existing investors reinvest करने वाले हैं। क्या valuation? 75. That's the exact valuation we have come here. अभी तो खाली जो existing investor है, they are investing 1 crore each. तो कितना हो गया वो? 2 crore अभी invest हो चुका है उसमें। Understood. अच्छा, अभी आप बताइए capacity के बारे में और manufacturing. हाँ, so अभी हम 40 tons पे हैं, right? अभी हम ये 10 crore वाले fund से we are going to a 300 ton capacity. So वो 10 crore plus 5 crore एक capacity expansion में use होगा. और सेकेंडली एक हम और R&D कर रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू मेकिंग द फाइबर इवन सॉफ्टर सो दैट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इंटीमेट वेयर। और थर्ड है एक मार्केटिंग एफर्ट के ऊपर जाएगा, राइट? आपकी बिग प्रॉब्लम आने वाली है कि आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट वेरी वेरी क्विकली टू यू। एज दिस निश एरिया मेनस्ट्रीम होता जाता है, द गेम इज अबाउट कौन कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन करता है। करेक्ट। और प्लांट कैपेसिटी बढ़ा सकता है। आज रिलायंस इस इंडस्ट्री में किंग कैसे बना? By executing and becoming the largest in the world, right? तो उसके लिए capital की सख्त जरूरत पड़ती है। और आप इतना छोटा-छोटा capital round raise कर रहे हैं, that somewhere आप वो wave नहीं miss कर जाओ कि कोई आके सीधा 1 lakh ton की capacity लगा दे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओ। सर देखिए, इसमें दो चीज़ है। Climate tech companies ना generally they will never go 100x or 10x or 20x in a year, क्योंकि ये actual physical product farm से pick होगा और एक्चुअल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग होगी, राइट? सो माय स्केलिंग अप हैज टू हैपन स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज़ आई हैव टू मैच 3 things: सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड डिमांड। तो आपके प्रोसेस में टाइम लगता है। हाँ, 3 of the things नीड टू मूव इन टैंडम। सो हमारे हिसाब से 3x पर ईयर ग्रोथ इज द स्पीड वेयर वी वॉन्ट टू ग्रो एट। अगर मैं 3x एवरी ईयर फ्रॉम द करेंट क्वांटम ग्रो करता हूँ तो मैं अगले 7 साल में 2000 crore पे पहुंच जाता हूँ, एंड यही मेरा टारगेट। I'll make you an offer, और उसको मैं अकेला ही करना चाहूँ, because I think it's too little equity otherwise, मजा नहीं आएगा। 1 crore for 1.5%। हम आपको ना अपना ऑफर रिवाइज करते हैं। तो करना ही पड़ेगा।
We don't want you to dilute too much. 1 crore, 1.5%. Three of us coming together. You get too many people who don't know anything about the industry. Oh, that's not true. That's not always true. A power Hana? Of many. Azhar, आप भी वो ऑफर मैच करेंगे क्या? हाँ, इनका ऑफर मैं मैच कर देता हूँ। चलो आप जल्दी पिक कीजिए अब। Can you give us our time? Just discussing that. Yeah, please go. Thank you. दोनों कंबाइन करो। Sorry? कंबाइन करना है? हाँ, कर सकते हैं। आपके साथ तो अच्छा रहेगा। Slight change. Azhar and I will combine. You'll have two of us at 1.5%. Okay. ठीक है. तो हमारा एक counter offer है. Why can't we get all of you together? Aman, Namita, and Radhika ma'am can invest 1 crore at 1.5%, and you and Azhar sir can invest 1 crore at 1.5%. If you want that, we'll take 4%. Yeah. No, no. 1 second. You'll have to first decide between ourselves. What are we doing? Then only I'll say. So either we are together, or not. Then that's the only deal. Then that's the only deal. Then we are only negotiating. So now, since you wanted 5 sharks, the deal has unfortunately changed. Anupam is going to give you a revised offer. 2 crores for 4%. Think value, don't think valuation. This is your only offer. I think it's a good deal. Now you don't have any other offer. I think let's go the middle ground. Can we close at 3.5? But no. यार आधे आधे परसेंट के लिए मत हाइडल करो. अभी अभी वैल्यू नहीं है. मैं दो राउंड रेस करके इतना सीख गया हूँ कि नहीं होगा. हर हर परसेंट की वैल्यू है. चांस नहीं. So sharks, 2 crores for 4% equity from all the 5 sharks. ये डील डन है. डील पक्की. Good one, bro. You are getting nervous about 0.5%, you're not going to regret this. Thank you so much for that. Good job. All right. Good job. Thank you so much. Great meeting you. I love you. जीरो वेस्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी प्रकार का वेस्ट जेनरेट नहीं होता है। जो वेस्ट जेनरेट भी होता है वो रीयूज एंड रीसाइकल हो जाता है। इस वजह से एनवायरनमेंट, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से बच सकता है। शार्क्स, क्या आपके कोई दोस्त या परिवार बैंगलोर में रहते हैं? फिर आपने सुना ही होगा कि वहाँ ग्राउंड वाटर लगभग खत्म हो चुका है। हमारे देश में 60 करोड़ लोगों को पानी की भारी कमी है। साथ साथ में हम सबके घरों और फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है वो यमुना जैसी नदियाँ को गंदा नाला बना रहा है। पर यही गंदा पानी हमारी प्रॉब्लम का हल भी बन सकता है। अगर हम इस पानी को ट्रीट और रिसाइकल करें तो हम 70% अपनी पानी की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। शार्क्स, मेरा नाम राजेश है और ये मेरी बेटी मानसी। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने पानी की कमी को काफी करीबी से देखा है, इसीलिए IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं इस क्षेत्र से जुड़ा और मैंने पिछले 25 सालों में करीब 400 से ज्यादा वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। भारत में करीब 90,000 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि 70% प्लांट ढंग से चल ही नहीं पा रहा। आखिर क्यों? पापा से बात करके मैंने समझा कि इन ट्रीटमेंट प्लांट्स की ऑपरेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और ऑपरेटर्स के पास प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट और सॉल्व करने की एक्सपर्टीज नहीं होती। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना काफी नहीं है, हमें उनको ढंग से चलाना भी होगा, जो इस स्केल पे केवल टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। इसलिए स्टैनफोर्ड से पढ़ाई पूरी करके मैंने डिसाइड किया कि मैं भारत वापस आकर इस प्रॉब्लम पे काम करूंगी ताकि हमारे अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। और फिर मिलकर हमने बनाया डिजिटल पानी, अ डिजिटल वाटर प्लेटफॉर्म जो एक डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट प्लांट्स की हेल्थ को ट्रैक और सही एक्सपर्टीज के साथ मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल, इक्विपमेंट को ऑटोमेशन से चलाना और टेक्नीशियंस को व्हाट्सएप पे ही केमिकल की डोजेज बताना। ये सब करने से हम कस्टमर्स के करोड़ों के फाइन्स बचाते हैं और सबसे बड़ी बात, अब वो पानी रिसाइकल कर सकते हैं। शार्क्स, आज के दिन हम हर रोज डिजिटल पानी पावर प्लांट्स में 90 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर ट्रीट कर रहे हैं और भारत की कई टॉप कंपनीज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में हर इंडस्ट्री और हर बिल्डिंग को कंप्लायंस
और वाटर नीड्स मीट करने के लिए डिजिटल पानी की जरूरत होगी। तो शार्क्स, वी होप यू आर थर्स्टी फॉर अ डील। हमारी आस्क है 70 लाख इन एक्सचेंज फॉर 1%, क्योंकि आखिर शार्क्स को भी तो तैरने के लिए साफ पानी की जरूरत है। नाइस पिच। राजेश मानसी, शार्क टैंक के इस इकोप्रेनर एपिसोड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ब्रांड का नाम बहुत खूबसूरत है। आई थिंक फादर डॉटर की जोड़ी दोनों बहुत क्वालिफाइड हो। पुराना कभी कभी का डायलॉग था ना कि तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तो वी हैव शुक्रिया। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जो काम शुरू किया है वो अगली जेनरेशन जीवन अमृत का कर रही है। किस साल स्टार्ट हुआ डिजिटल पानी? End 2020। Can you simplify your product and tell us कि आप exactly क्या करती है? पहले मैं आपको थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में बताती हूँ यूजिंग दिस बोर्ड। सो आप किसी भी इंडस्ट्री को कंसिडर कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री हो या कोई होटल हो, वहाँ का सारा जो वेस्ट वाटर आता है फ्लशिंग से, किचन से, मैन्युफैक्चरिंग से, वो सारा एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। Correct. हर बिल्डिंग, हर इंडस्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है आजकल। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ये ट्रीटमेंट प्लांट्स चल नहीं पाते क्योंकि बहुत सी दिक्कतें होती हैं। कभी खराब ओडर निकलता है, कभी पंप्स बर्न हो जाते हैं और कभी मेम्ब्रेन्स चोक हो जाती हैं, इसलिए प्लांट्स परफॉर्म नहीं करते हैं, गंदा पानी बाहर निकालते हैं। अब हम बताते हैं कि डिजिटल पानी क्या करता है। यहाँ पे डिजिटल पानी एक IoT enabled सॉफ्टवेयर है जो एंड टू एंड ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो जब हम किसी भी न्यू प्लांट में जाते हैं, हम पूरा डिजाइन समझते हैं, सॉफ्टवेयर में इनपुट करते हैं, पूरी डिजाइन सिमुलेशन होके आती है कि ये एसेट किस चीज के लिए केपेबल है, कितना पानी ट्रीट कर पाएगा, क्या हो पाएगा। उसके बाद पूरी ये SOPs बन के आ जाती है कि इस तरह प्लांट को ऑपरेट होना है। क्लाइंट अपनी पूरी एसेट को विजुअलाइज कर सकता है, उनको अपनी एसेट की पूरी एनालिटिक्स दिखती है कि कितना पानी ट्रीट हो रहा है, क्या क्वालिटी अचीव हो रहा है, क्या इक्विपमेंट ठीक से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। डैशबोर्ड, पूरा डैशबोर्ड रहता है। इनफैक्ट वो रिमोटली बैठे बैठे कंट्रोल भी कर सकता है। अब मान लीजिए कोई दिक्कत है प्लांट में, तो AI उनको डेटा का इंटरप्रिटेशन देता है कि एक्चुअली एसेट में दिक्कत क्या हो रही है। एंड बेस्ट पार्ट इज दे डोंट हैव टू बी ऑन द सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप आ जाता है। हां, व्हाट्सएप आ जाता है बेस्ड ऑन एस्केलेशन अलर्ट, बेसिकली एन अलर्ट। श्योर, ये SaaS प्लेटफॉर्म है फॉर वाटर मैनेजमेंट का। और कितने SaaS प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में? वी आर दी ओनली प्लेटफॉर्म जो ऐसे एंड टू एंड मैनेजमेंट कर रहा है। प्योर प्ले स्पेसिफिक आपके फीचर्स वाला नहीं होगा, लेकिन आसपास आपके लोग हैं काफी। Sure, right? Definitely. आई वुड थिंक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशन फॉर यू। एक तो आपके जैसे प्योर प्ले प्लेयर्स हो गए, दूसरे जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉफ्टवेयर कर रहे हैं जो इस एरिया में आना चाहेंगे, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्लांट मैन्युफैक्चर। दे विल फॉरवर्ड इंटीग्रेट क्योंकि उनको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा अपने बिजनेसेस में, and software is where most of the value is. तो वो जरूर करेंगे forward integration. तो I think that's your 3 competition. In Pune, Thermax does a lot of these water treatment solutions. Right. And they sell the actual plant. Along with, जब वो plant बेचते हैं, ये software देते हैं, I would much rather buy the plant and software from the same person. मैं ऐसे क्यों करूंगी कि मैं प्लांट उनसे लूंगी और सॉफ्टवेयर आपसे लूंगी? I just want to answer. Yeah, so ma'am, हमारा platform... Oh, by the way, a compliment to you. I love the fact के मैं कब से आप दोनों को देख रही हूँ और आप उसको इतने, मतलब she is the one taking charge, answering all the questions. I love that. Amazing. Amazing chemistry. So हमारा platform काफी technology agnostic है. We have deep knowledge of all the technologies available. एक company जो अपने ही plant बना रही है, design कर रही है, उनके पास एक limited variety है, limited options है. तो वो डीप नॉलेज नहीं है। थर्मैक्स जैसे प्लेयर्स कैन वेरी मच बी आर कस्टमर्स। हम बहुत सारे ऐसे बड़े वाटर प्लेयर्स में के साथ टॉक्स में है फॉर अ पार्टनरशिप। हम पूरा रिमोट कंट्रोल, AI एनेबल्ड मैनेजमेंट, ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, ऑपरेटर्स को पूरे SOPs, ये सारी चीज दे रहे हैं जो और कहीं नहीं है। वो इजीली कर सकता है ना वो इनकॉर्पोरेट, बट वो उनको सालों लगेंगे बनाने के लिए। आपको कितने साल लगे हैं बनाने के लिए वो? सो फार इट हैज टेकन अस अराउंड 3 इयर्स। हम काफी इसमें इनोवेशन भी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर विजन यूज कर रहे हैं टू डिटेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस सेटलमेंट, और इसमें हम पेटेंट भी फाइल कर रहे हैं। आपका ये सर्विस अभी कितने प्लांट्स में लाइव है? अभी हम 43 प्लांट्स के साथ काम कर रहे हैं। और एक प्लांट से टिपिकली कितना चार्ज करते हैं आप ऑन एन एवरेज मंथली? इसको हम वन टाइम चार्ज करते हैं और एज एन EMI, उसका एवरेज अभी 8.6 लाख चल रहा है। ओके, डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में भी काम करते हैं, इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, इट कैन गो एज हाई एज 50 लाख पर फैसिलिटी। उस पे मार्जिन क्या होगा? हमारी ओवरऑल ऑनबोर्डिंग फीस में 30% का मार्जिन है। दूसरी हमारी जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो हमारी मंथली सॉफ्टवेयर की फीस है,
सो ऑन एवरेज वी चार्ज 28,500 राइट नाउ, बट उसका जो रेंज है इट गोज अप टू 1.25 लाख्स। इन दोनों रेवेन्यू स्ट्रीम में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? अभी हमारा ऑनबोर्डिंग ज्यादा बड़ा पार्ट है, सो करंटली हमारा सॉफ्टवेयर इज अराउंड 23%, बट ये हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपका रेवेन्यू लास्ट 3 इयर्स का बता पाएंगे एक बार? इस साल का रेवेन्यू हमारा 2.2 करोड़ है, लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू 2 करोड़ था, उसके पहले हमारा 30 लाख था, एंड उससे पहले तो हमने बस स्टार्ट ही किया था। बट ग्रोथ क्यों नहीं है 2 से 2.2? लास्ट ईयर एक हमारा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, वही केवल 70-80 लाख था बाय इटसेल्फ, उसको अगर हम हटा ले तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। सेकेंडली जो हमारा मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो हमारा मंथली रेवेन्यू है, वो मोर देन डबल हुआ है। लास्ट ईयर हम 4 लाख पे थे, आज के दिन हम 8.3 लाख पे खड़े हैं इन टर्म्स ऑफ MRR। अगले साल कितना करेंगे? 8 करोड़ का हमारा प्रोजेक्शन है, अराउंड 2.2 करोड़ ऑफ रिकरिंग सॉफ्टवेयर रेवेन्यू एंड द रेस्ट इन टर्म्स ऑफ ऑनबोर्डिंग रेवेन्यू। आप कह रहे हो कि 8.5 लाख रुपए से यू विल गो स्ट्रेट टू 2.2 करोड़ इन SaaS रेवेन्यू? हाँ जी, अभी हमारा MRR 8.3 लाख का है, तो अराउंड 1 करोड़ रिकरिंग रेवेन्यू तो एग्जिस्टिंग कस्टमर से ही आ जाएगा। अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर में एटलीस्ट हम 50 प्लांट को ऑनबोर्ड करेंगे। तो आपकी क्या पाइपलाइन है इतनी? हाँ जी है, 2-3 अलग सेगमेंट है। एक है बिल्डिंग्स, जो अभी तक हमारा डोमिनेंट सेगमेंट रह चुका है। वी वांटेड कि इसको हम परफेक्ट कर दे, प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करें और इसको एक प्रॉफिट सेंटर में कन्वर्ट करें, जो अब हो रहा है। यहाँ पे अभी हमारे जो प्राइसेस हैं वो लोअर साइड पे है, क्योंकि बिल्डिंग सेक्टर ज्यादा कस्टमर्स थे। अब हमारा फोकस जो है इसको प्रॉफिट सेंटर बना के इंडस्ट्री पे फोकस डालने का। इंडस्ट्री में प्राइस पॉइंट्स काफी ज्यादा हाई है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल गो अप, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल गो अप सिग्निफिकेंटली, क्योंकि इंडस्ट्री में 50,000 हमारा एवरेज है जो मंथली रेवेन्यू है। अभी आपने कहा 43 क्लाइंट्स हैं आपके, इंडिया में टोटल कितने प्लांट्स हैं एक बार वो बताएंगे? 90,000 बताया था मैंने, 90,000 तो स्कोप काफी ज्यादा है। वो तो हो गया टोटल एड्रेसेबल मार्केट, लेकिन टोटल एड्रेसेबल मार्केट इज नॉट योर मार्केट, राइट? टैम से हम कैलकुलेट करते हैं सैम, तो यू हैव टू ओनली इंक्लूड दोज जहां पर आप 30,000 रुपए देने की कैपेबिलिटी होगी। तो वो 80,000 में से ऐसे कितने हैं जिनके पास वो क्षमता है? ओवरऑल टैम अराउंड 8200 करोड़ का है, एंड हम सैम इसमें से एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 4000 करोड़ का। 4000, हाउ मेनी क्लाइंट्स? सैम होगा 40,000। हाँ जी, हम अप्रोक्सीमेटली हाफ एस्टिमेट कर रहे हैं, और उसमें से शायद आप 10% कैप्चर कर पाए। हाँ जी, हमने अराउंड 15% का सोचा है, बिकॉज हम फ्रंट रनर्स हैं मार्केट। तो सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट इज अबाउट 600। हाँ जी, आपकी सेल्स साइकिल कितनी लंबी है? डोंट टॉक अबाउट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ओनली अबाउट योर ग्रोइंग मार्केट, जो आगे की जो आपकी मार्केट है कमर्शियल, वहाँ पे सेल्स साइकिल कितनी है? टिपिकली 3-4 months। 3-4 months में हो जाता है? हाँ जी, वो बहुत क्विक सेल्स साइकिल है, SaaS के लिए तो बहुत क्विक सेल्स साइकिल है। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज में अप टू 6 months भी जाता है। फंडिंग का थोड़ा सा बता दो अगर बता। श्योर श्योर, सो हमने लास्ट राउंड रेस किया था अराउंड 8 करोड़ एट 41 करोड़ वैल्यूएशन। 40 इज इट पोस्ट मनी? हाँ जी, 41 करोड़ इज पोस्ट मनी। 3 वाज? सो 33 हमने रेस किए। 33 है। कब किया था ये? ये एक साल के आसपास हो गया है, जब हमने क्लोज किए थे राउंड, एंड देन पैसा आने तक। इसके पहले का राउंड? एक ही राउंड रहा है हमारा। और कैप टेबल कैसी है? मेरे पास 51.7% है, इनके पास 17.8% है, 10% हमारा ESOP पूल बना था, एंड बाकी इन्वेस्टर्स का। आप दोनों कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट करते हैं? आप दोनों सेल्स करते हैं? डेफिनेटली करना ही पड़ता है। अभी तक हिस्टोरिकली आप लोगों ने कितने लोगों को जाके अपना प्रोडक्ट पिच किया है ये 43 क्लाइंट्स कन्वर्ट करने के लिए? सो अराउंड 20% हमारा कन्वर्जन रेट है। लास्ट ईयर कितने क्लाइंट्स ऐड किए आपने? 16 क्लाइंट ऐड किए। और उसके पिछले साल आपने कितने क्लाइंट्स ऐड किए थे? 11 कस्टमर्स ऐड किए। तो उसके पिछले साल कितना क्लाइंट्स था आपके पास? उसके पहले हमने 10 क्लाइंट किए थे। तो 3 साल पहले तो रेवेन्यू आपका 30 लाख ही था। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं कि पिछले साल आपका 11 क्लाइंट्स ने 2 करोड़ का रेवेन्यू दिया, उसके पहले 10 क्लाइंट्स ने 30 लाख का ही रेवेन्यू दिया। शुरू शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो 3-4 लाख रुपए हम चार्ज कर रहे थे कैपेक्स, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, और 10-15 हज़ार चार्ज कर रहे थे बिकॉज वी हैड टू प्रूव आवर प्रोडक्ट। आपका अगर देखेंगे 10 क्लाइंट्स, 11 क्लाइंट्स, 16 क्लाइंट, हर साल आप सिमिलर नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट काफी एक टेक्निकल प्रोडक्ट है, हमें टाइम लगा टू प्रूव द होल केस स्टडी। आर यू प्रॉफिटेबल? वी आर नॉट प्रॉफिटेबल। हमारा जो बिल्डिंग सेगमेंट है वो अब प्रॉफिट सेंटर बनने जा रहा है। अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में, सेल्स एंड मार्केटिंग में, स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल सेगमेंट। आप लोग डेफिनेटली बहुत इंटेलिजेंट लोग हो, काफी वेल एडुकेटेड भी। जो आप लोग प्रॉब्लम उठा रहे हो, अगर इस प्रॉब्लम में देखा जाए तो हो सकता है कुछ आप लोग वो फाइनर चीजें खोज के एक छोटा सा बिजनेस बना लो, जहां मैं अभी कन्विंस नहीं हो पाया आज कि ये स्पीड अप करेगा ग्रोथ बहुत ज्यादा, तो वो फंडामेंटल रीजन होगा मेरा आउट। पैसे वैसे हैं आपके पास बैंक में?
हाँ जी है। कितने पैसे? अराउंड 5.3 CR बैंक में है, देन हमारे रिसीवेबल्स। कब तक चलेंगे ये? 25 मंथ्स। 70 लाख का क्या करोगे? 70 लाख हम प्राइमरीली दो तीन चीजें में डालेंगे। जल्दी जल्दी बोलो। एक तो पार्टनरशिप्स में डालेंगे, जैसे आप बात करे थे OEMs के साथ काम करने के लिए। तो आपके पास पैसे हैं, तो अभी 70 लाख उसमें से निकाल लो। हमें फास्ट ग्रो करना है, लीड जनरेशन की पाइपलाइन ग्रो करनी है। आप सबका की रीच चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटी है। वी नीड गाइडेंस ऑल्सो ऑन हाउ टू बिल्ड अ गुड बिजनेस, हाउ टू हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स टू बी एबल टू रीच दैट अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल। मैंने आपको शुरू शुरू में एक बात कही थी, मैंने कहा था जो वाटर प्लांट वाले OEMs हैं वो फॉरवर्ड इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि वैल्यू कैप्चर होगा सॉफ्टवेयर से। तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी इंटेंस। आपका मार्केट साइज अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एट ऑल इन लाइन विद जो आपने दावा किया, क्योंकि जो कैप्चर होता है ना, जब वैल्यू कैप्चर होता है ना कोई भी वेंडर इंडस्ट्री में, तो एवरी वेंडर ट्राइज टू कैप्चर वैल्यू। तो आपका फाइट होगा सारे वेंडर्स के साथ में जो वो प्लांट में घिसेंगे। एंड फाइनली ये वैल्यूएशन का टोटका तो मेरे दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है। 70 crores makes absolutely no sense for this kind of company at this stage. So respectfully, I'm out. Thank you. आपको already एक prior valuation मिल चुका है, 41 crores, you said, right? So I can't do a down valuation at a 2.2 crore sales. वो 40 crores का math किसी भी angle से fit नहीं हो रहा है. That is my biggest challenge with investing in the business, and for that reason I'm out. Good job. Keep doing this. Purpose अच्छा है और clean पानी की जरूरत है। गुड़गांव, बैंगलोर सब जगह ये problem आने वाली है। आप लोग अच्छा कर रहे हो। Valuation big concern, down round हम करोगे नहीं। Unfortunately मैं out हूँ, क्योंकि आपको ना पैसे चाहिए ना आपको investor चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास already है। Thank you so much. Somewhere execution is not adding up. 2 crore की sales, 2.5 crore की sales. आप 8 करोड़ की पाइपलाइन कह रहे हैं, अगर आपको 6 करोड़ का अपफ्रंट लेना है, दैट्स अबाउट 40-50 क्लाइंट्स। मेरे हिसाब से SaaS में वो बहुत बड़ा नंबर है, जिसका एग्जीक्यूशन मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। मे बी यू नीड टू रिविजिट योर सेल्स प्रोसेस, बट आई थिंक वेरी गुड एफर्ट दैट बोथ ऑफ यू आर डूइंग। आई एम आउट फॉर नाउ। थैंक यू। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ अस आर आउट। थैंक यू। थैंक यू। बाय गाइस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय। SDGs यानी Sustainable Development Goals United Nations ने बनाए हैं। इसमें 17 अलग अलग गोल हैं जो केवल ह्यूमंस के लिए नहीं बट बल्कि हमारे पूरे एनवायरनमेंट इवन अंडर वाटर लाइफ के लिए हैं। और अगर हम इन गोल्स के अराउंड यूनाइट हुए और इन गोल्स को हमने फॉलो किया, तो मेरा पूरा यकीन है कि हमारा भविष्य एक सस्टेनेबल हेल्दी फ्यूचर रहेगा। बहुत अच्छा रहा यार ये। I think it's a good initiative what you guys have taken. Great, I need to educate. I got educated today, so it's I think it's a good learning for the country. Great learning for us as well. So thank you. बड़ा अच्छा था। No, it's a great way to teach the masses. सबको ऐसे लगता है कि बहुत दूर की problem है, पर बहुत नजदीक की problem है। It's not just about investments. I think awareness of this problem itself. ये बहुत बड़ा मुद्दा है। Reduce your carbon credits, people. Reduce your emissions. I think ये बहुत अच्छी बात है। Yeah. Good job. Thank you everyone. Yeah, मजा आया। Finally season 3 खत्म होता है। You guys are amazing. Season 3 is done.